गूगल शीट में हम बात कर रहे हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिखा, मैंने लिखा 500 या 1500 या 15000। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आप जा सकते हैं फॉर्मेट के अंदर। तो फॉर्मेट में एक आपका नंबर फॉर्मेट आता है ऑटोमेटिक, जैसे आप टाइप करते हो उस तरह का फॉर्मेट होता है। प्लेन टेक्स्ट मतलब किसी तरह का कोई फॉर्मेटिंग नहीं, प्लेन टेक्स्ट है। उसके बाद नंबर, नंबर में आप यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हैं, परसेंटेज है, साइंटिफिक है, अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल है, ये तो नॉर्मली है, जो कोई चीज बड़ी चीज नहीं है। और डेट एंड टाइम के भी आपके साथ फंक्शंस है। उसके अलावा यहाँ करेंसी से मान लीजिए कि मैं आपको करेंसी में करना है तो कस्टम करेंसी पे क्लिक करेंगे, जहां से आप करेंसी का कोड दे सकते हैं क्या होना चाहिए। जैसे रुपीज है ना, रुपीज अप्लाई कर दीजिएगा तो रुपीज में हो जाएगा, या यूएस में है यूएस में हो जाएगा। ठीक है, तो कस्टम करेंसी के अंदर आप इसमें नंबर फॉर्मेट के अंदर कस्टम करेंसी के अंदर आप ले सकते हैं। उसी तरह से कस्टम डेट है, अगर आपने डेट डाला हुआ है तो अपने हिसाब से डेट के फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। ओके, ये सब प्री डिफाइन है। लेकिन नंबर में एक आता है आपका कस्टम फॉर नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे हम अपने हिसाब से कोड वगैरह डाल के फॉर्मेटिंग बना सकते हैं। अब जरूरत क्यों पड़ती है, चलिए मैंने यहाँ पे चेक नंबर लिखा और 001234 लिख के एंटर मारता हूँ, जीरो गैप हो जाता है। तो हमें सिंगल कोड लगा के फिर लिखेंगे तो हमारा जीरो ले लेगा, जो जीरो ले लेगा, तब आएगा क्या आ जाएगा। लेकिन टाइप करेंगे तब ना, अब किसी ने आपको टाइप करके ऑलरेडी भेज दिया हुआ है। अब इसमें आपको 6 डिजिट, हाँ, तो फॉर्मेट के अंदर हमारा नंबर फॉर्मेट, कस्टम नंबर फॉर्मेट पे, और यहां हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम जीरो डाल के अप्लाई कर देते। देखिए हो गया, क्यों 6 टाइम क्यों जीरो, क्योंकि 6 डिजिट मेंटेन करना है, चेक 6 डिजिट का होता है ना। ओके, तो जितने भी डिजिट हमें मेंटेन करना है वो उतने टाइम हमें जीरो जी, प्रेस करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। उसी तरह से मैं पता चलेगा अगर अगर किसी, हाँ, मेरे को सबके आगे अगर जीरो लगाना है मान लीजिए, और ऑलरेडी वो आपको डिजिट पता है, जैसे मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट का होता है, चेक नंबर 6 डिजिट का होता है। मैं ये कहता हूँ कि मान लीजिए कुछ नंबर है ही नहीं, मान लीजिए बस 1452 है, 332 है, और 6254 है, और 36952 ही है, और इन सबके आगे मेरे को यहाँ पे जीरो लगाना है मोबाइल वाले में। देखिए अगर आपको सबके आगे एक जीरो लगाना है तो कॉन्केट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे बताना पड़ता, यहाँ पे आगे करना पड़ेगा कि आपको जो है कितना जीरो लगाना है, कितना डिजिट मेंटेन करना है, नहीं समझे। जीरो कितना लगाना है उससे मतलब नहीं, यहाँ पे ये जीरो नहीं लगा रहा है, मैं पॉइंट समझ गया एग्जैक्टली, ये डिजिट मेंटेन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि करें तो आप जीरो लगाने, तो जीरो के साथ कॉन्केट कर दे आप, इसमें सिंपल है, समझे। और फिर इसका वैल्यू पेस्ट करेंगे तो जीरो गायब हो जाएगा, नहीं अगर हाँ गायब हो जाएगा तो फिर वही कह रहा हूँ ना। सर नंबर फॉर्मेट में आप रखना चाहते हैं तो फिर आपको इसी मेथड को फॉलो करना होगा, अदरवाइज टेक्स्ट कोई रूल नहीं। ठीक है, हाँ अगर मान लीजिए अब आपका सारा जो है सेम, सारे के सारे नंबर जो है वो 4 डिजिट के हैं, आपको जीरो लगाने हैं तो आप 5 जीरो डाल दो, एक जीरो लगा देगा, लेकिन डिजिट कम ज्यादा हुआ जी तो दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर में डालना चाहता हूँ, इसके अंदर मोबाइल नंबर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे +91 और 8802579388 लिख के एंटर मारा, तो प्लस नहीं लिया इसने, नहीं लिया क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लस से या इक्वल से हमारा फॉर्मूला शुरू होता है। ठीक है, प्लस से और इक्वल से क्या शुरू होता है, हमारा फॉर्मूला शुरू होता है। ठीक है, इसलिए, लेकिन मुझे प्लस दिखाना है यार, मैं 91 ही नहीं डालना चाहता हूँ, मैं सिर्फ मोबाइल नंबर डालूँ, प्लस 91 ऑटोमेटिक लग जाए। तो नंबर के अंदर जाएंगे,
कस्टम नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे प्लस 91 प्लस 91 और उसके बाद एक जीरो डाल दें। अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे कोई भी नंबर डालता हूँ, मैं बताता हूँ जीरो क्यों डालेगा। ठीक है, अच्छा ब्लैंक के लिए देखिए जीरो क्यों डालना होता है। जैसे मान लीजिए अब मैं 1500 रुपया हमने डाला, अब मुझे 1500 के आगे, अच्छा एक चीज और भी आगे, एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपके। चलिए 1500 के आगे मुझे क्या लगाना है, एमआरपी लगाना है। तो एमआरपी यहाँ पे 1500 कर दिया, या 15 5000 कर दिया। इसके अंदर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं हो क्योंकि हमने मैनुअली लिख दिया। एग्जैक्टली, तो हमें तो दिखाना है एमआरपी 500 है, एक्चुअली में क्या होना चाहिए 1500 एक्चुअली में होना चाहिए, लेकिन दिखना चाहिए एमआरपी 1500। अच्छा ठीक है, तो नंबर में जाएंगे और यहाँ कस्टम फॉर्म में नंबर फॉर्मेट, और यहाँ पे हम लिख देंगे इन्वर्टर कमा में एमआरपी। अब देखिए मैं सिर्फ एमआरपी लिख के अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ एमआरपी दिखेगा, आपका नंबर या आपका वैल्यू नहीं दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि वैल्यू भी दिखे तो इसके आगे एमआरपी के आगे आपको जीरो लगाना ही होगा, सॉरी एमआरपी के आगे आपको एमआरपी के बाद आगे नहीं बाद में जीरो आगे लगा दो तो आगे दिख जाएगा नंबर, पीछे एमआरपी हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर में नंबर कस्टम फॉर्मेट और यहाँ पे हमने जीरो कर दिया। एक जीरो या एक हैश करना हो, एक जीरो या एक हैश करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एक से ज्यादा करते हैं तो फर्क पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे दो जीरो डाल के ओके अप्लाई कर दिया, अभी कुछ फर्क नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब मैं फाइव करूंगा तो फर्क दिख जाएगा। दिखा सर, 0.5 दिख रहा है, 0.5 हो गया। लेकिन अगर मैं दो हैश करता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हैश या जीरो, हैश या जीरो मतलब किसी भी टेक्स्ट के साथ नंबर को शो करने के लिए आपको हैश और जीरो तो देना ही होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हैश और जीरो तो देना ही होगा। अगर आप जीरो देते हैं, अगर एक हैश एक जीरो दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक हैश एक मतलब एक से ज्यादा हैश डाले तो जैसा नंबर वही दिखेगा, लेकिन एक से ज्यादा जब जीरो डालोगे तो जितना जितना नंबर डाले, तीन जीरो कर दिया तो तीन डिजिट मेंटेन करेगा, जितना डिजिट कम होगा उतना आगे जीरो लगा देगा। ठीक है, और आपने जब पूछा था कि मुझे सारे में एक ही जीरो ऐड करना है कैसे करें, तो उसका उपाय है कि आप उसके आगे इन्वर्टेड कॉमा में लगा दें। हाँ, कॉमा लगा दो तब कॉनकेटनेट बनाओ, नहीं कॉमा अच्छा, नहीं यहीं से हो जाएगा। हाँ, यहीं पे आप इन्वर्टेड कॉमा में जीरो लगा के अगेन जीरो कर दें, स्पेस दे दिया, स्पेस मत दीजिए, जीरो लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल में 85 ही है, क्योंकि स्प्रेड शीट पे चाहे गूगल शीट हो या एक्सेल हो, किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं करती है, सिर्फ विजुअल वैल्यू को चेंज करती है। ठीक है सर, क्लियर है सर? वो आपकी आवाज रुक गई थी। मैं बोल रहा हूं कि यहाँ जो इसने हमें इन्वर्टर कुमार में लगाया जीरो और जीरो दिया तो नंबर का आगे जीरो दिख गया, बट ऐसे विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल आपका 5125 ही है, बस दिखाने के लिए जीरो। एग्जैक्टली हम कर सकते, क्या कर सकते सर, सम करेंगे तो कोई एरर तो नहीं शो करेगा ना? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई एरर शो नहीं करेगा। ठीक है।
अच्छा सर मेरे को एक चीज और आप बता दो, जीरो के बाद का जीरो तो मेरे को समझ में आ गया, पर आपने जो डबल कोट में जो जीरो लिखा था वो चीज था जो कि हमें दिखाना था, जैसे हमने एमआरपी लिखा जी है, था क्योंकि अगर यही आप था ना। इसमें नंबर ऑफ जीरो दे दे तो इस तरह से डिजिट मेंटेन कर देता है ना, लेकिन मुझे तो हाँ एक समझ जीरो ऐड गया। करना है, तो हमने सिंगल कोट के अंदर में डाल दिया जीरो। और उसके हाँ बाद आपको इसके बाद मैंने तो यहाँ वो बताया था जीरो ना कि सिंगल कोट में जब कोई टेक्स्ट डालते हैं तो उसके बाद जीरो दीजिएगा तभी आपकी वैल्यू शो होगी, नहीं दीजिएगा तो वैल्यू शो नहीं एग्जैक्टली होगी। नहीं होगी। ओके तो अब इसका मतलब ये जो तो पहला वाला जो जीरो था डबल कोट में, ये जीरो जीरो नंबर नहीं था, ये जीरो टेक्स्ट था। जी है शो करने के लिए, और नंबर को दिखाने के लिए एक जीरो हमने लगाया था। ठीक है। अगर एक जीरो लगाते हैं तो उसके बाद कितना भी नंबर लिखो नंबर दिखेगा, अगर दो जीरो लगाओगे तो दो डिजिट ही ओनली दिख पाएगा, यही आप कह रहे हो ना। हाँ जी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं अच्छा आईडी लगाना चाहता हूँ, ठीक है ना, और आईडी हमारा 9 डिजिट का है, हर डिजिट के बीच में मुझे क्या करना है, हर 3 डिजिट के बीच में एक डैश लगाना है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इंसर्ट, इंसर्ट नहीं आना, फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, यहाँ पे कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है, हाँ तो और जीरो जीरो यहां जीरो हमने का क्या जीरो किया, यहां किया जीरो जीरो तीन जीरो का जीरो डैश तीन डैश तीन जीरो डैश जीरो तीन डैश। जीरो डैश तीन जीरो डैश रही नहीं, ठीक है ना, एन अप्लाई, क्लियर सर। क्लियर सर। अब मुझे पास क्रेडिट कार्ड नंबर है, क्या है क्रेडिट कार्ड क्रेडिट नंबर, कार्ड नंबर पर क्रेडिट कार्ड नंबर के फर्स्ट के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट है, क्रेडिट कार्ड नंबर के फर्स्ट के 4 डिजिट एंड लास्ट के 4 डिजिट है, तो क्या करें, तो उनके इस बीच में डैश लगाना है, जी उनके बीच में डैश लगाना हाँ मैं नहीं, उसके बीच में एक्स एक्स लगाना होता है ना, एक्स एक्स है। अच्छा हाँ, याद आया, देखते हैं। तो कुछ नहीं सर, जीरो 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 डैश, ना। और फिर उसके बाद सिंगल कोट में डबल कोट में जीरो जीरो नहीं आएगा ना, ये बता दो क्या करना है, डबल कोट में आएगा। देखिए मैं 4 जीरो करूंगा, पहले स्पेस ठीक है दूंगा, वो तो समझ गया। ठीक है इन्वर्टेड कॉमा फिर करना डबल मैं कोट में। एक्स अच्छा एक्स 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 ठीक है एक्स डन। एक्स एक्स एक्स, फिर दोनों का क्लोज करूंगा, ठीक ठीक फिर चार, फिर ठीक है फिर चार स्पेस के जीरो साथ 4 डिजिट दे दूंगा, 0, ठीक ठीक एंड अप्लाई किया। अब इसके अंदर मैं 8 डिजिट लिखूंगा और ऑटोमेटिकली चार के और लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, फिर ये आगे जीरो क्यों आ रहा है सर, आपने जीरो तो क्योंकि लिखा हमने दिया। डिजिट कम लगाया, 7 ही डिजिट लगाया, तो अच्छा ऑटोमेटिक ठीक आगे ठीक 0 लगा देगा, तो नहीं चाहते हैं तो 0 की जगह पे हैश लगाइए, चाहते जो टाइप जीरो का तो उसी मेरे में को हो। फंडा समझ में आ गया, हैज का फंडा भी मुझे नहीं समझ सर में आया। 0 का फंडा है हुआ कि 0 अगर कम है तो आगे 0 लगा देगा, हैश और 0 काम सेम करता है, फर्क इतना होता है कि 0 में डिजिट कम जीरो होगा तो से एक ऐड कर सात देगा, और नहीं हैश क्या करता नहीं दिखाएगा, जैसे यहां पे देखिए है। हैश ओके डाला डन तो अगर मैंने डन 5 डन, दिया तो एक सौ जीरो तेईस ही फाइव नहीं लिखेगा। दिखाया, ठीक है अगर ठीक मैं यहाँ पे समझ डबल गया। 0 डालता तो 0.5 दिखाता, ठीक हाँ ये है जीरो डालूंगा तो पांच दिखाएगा। जी हाँ। अब बात करते हैं अमाउंट को 1000 में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे 12500 है तो मैं यहाँ पे 12.5 करना चाहता हूँ या 12 सेव करना चाहता हूँ, मान लीजिए, तो यहाँ पे इंसर्ट, यहाँ पे आते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट में, कस्टम नंबर फॉर्मेट, और यहाँ हम हैश और कॉमा कर देते हैं सिंपल, उसके बाद जो लिखना है लिख दीजिए, जैसे हमने के लिख दिया तो 1 के दिख गया आपको, तो ये 13 के है, वो राउंड फिगर में अच्छा चला ठीक गया, 13 के हो गया। है। ठीक अब इसी को इसमें अगर हम डेसिमल प्लेस ऐड करते हैं, मान लीजिए ठीक है, है हाँ 12.5 की आ गया, लेकिन हमारे पास नंबर ज्यादा है, बड़ा संख्या है, तो क्या हाँ करेंगे, तो नंबर फॉर्मेट के कस्टम में आते हैं, यहां पे 0.00 एंड डबल कॉमा, अब सर ये चीज याद करने वाली चीज है फिर। अच्छा जी है, सिंगल कॉमा 1000 के लिए होता है, डबल कॉमा मिलियंस के लिए होता है, ठीक है,
ना 12,52,363 है ना, तो तो टेन 12 टेन लाख में में इक्वल टू 1 मिलियन होता है, तो 1.25 आ गया ना, हाँ, क्योंकि 1.25 मिलियन। यहाँ है ना आपका 25 है, ठीक है। ठीक और है, इसके आगे पीछे में एम लगाना चाहते हो तो इन्वर्टर के बाद में एम लगा दीजिए। और इसका यूज हमने चार्ट्स वगैरह पे, रिपोर्ट्स वगैरह में देखा है, आपने देखा होगा, आपने पता देखा है ना, मतलब यूज किया हो काफी। तो इस तरह से हम मिलियंस में कवर करते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं अगला ऑप्शंस में, इसमें डेट भी होते हैं, इसे हमने डेट डाल दी है, तो डेट के अपना फॉर्मेट है ही, इसके अलावा आप DDMMYY का इस्तेमाल कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट में, कस्टम नंबर फॉर्मेट। और मैंने यहाँ पे कर दिया कि DD/MMMM/YY, तो ये देखिए अप्लाई आपके सामने टच ऑन हो गया। तो एक बार DD करते हैं तो क्या आता है 1 2 3, डेट दो बार DD करते हैं तो होता है 0 1 2, ठीक है। मतलब तो 0 1 2 एक आएगा, बार 0 1 0 2 0 3 डेट 0 4 0 5 10 तक, 0 तक जाएगा। वाला तो तीन बार ठीक DD करते हैं तो सैटरडे संडे, सैटरडे संडे आएगा। संडे। हाँ ठीक है, 4 बार चार मतलब बार पूरा डीडी करते हैं दिन। तो कंप्लेन नेम आएगा, और मंथ भी सेम आता है कि अगर आप एक बार डीडी करते हैं तो 1 2 3 mm, दो बार एमएम करते संडे हैं है, जीरो एक एमएम बार तीन बार करते हैं एमएम जैन फैब, और चार बार करते हैं तो जनवरी फरवरी, और वाई वाई ईयर के लिए होता है। अपने ठीक है हिसाब से डन जैसे मर्जी आप बनाना चाहो बना सकते हो। सेम आपका ठीक है टाइम के लिए होता है, जैसे आपने टाइम लिखा और अपने हिसाब से टाइम दिखाना चाहते हैं तो HH MM SH, HH आवर के लिए, MM SS के लिए, MM मिनट के लिए, और एस एस सेकेंड के लिए। एक बार करके दिखाना सर मेरे कैचेट वाला। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए लिखा अच्छा, आपका सब, ऑलरेडी वो ले लिया, ठीक है। हाँ ले लिया बट यहाँ पे आपने, हमने वो डबल वो दिया है ना, टाइम की फॉर्मेट वाला, हाँ डबल कोटेशन डबल कॉमा नहीं सेमी होगा कॉलम। इसमें। हाँ डबल। यहाँ पे AM/PM कर दीजिएगा तो AM PM भी आएगा, ठीक है। वो AM PM अपने आप से ले लेगा। हाँ AM/PM करेंगे ना तो अपने आप AM PM कर देगा। तो इसके बाद तो हमने डबल कोट दिया नहीं MPM के लिए। AM PM रिकनाइज है सर, में डबल कोट के अंदर डालेंगे सिर्फ AM और सिर्फ PM दिखेगा आपका, अच्छा ठीक है AM PM दोनों दिखेगा इकट्ठे, मुझे तो AM AM दिखाना है, PM PM दिखाना है, ठीक है। जैसे ठीक है। यहाँ पे मैं 12 बजे दिन का कर देता हूँ तो ऑलरेडी वो PM हो जाएगा, 12:30 का करूँगा तो ठीक ठीक है सर, है। ठीक तो इसकी कीजिए प्रैक्टिस, कल इससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट करेंगे आपके साथ। है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर, गुड नाइट। ठीक है।